अ वेरी वार्म वेलकम ऑन माई चैनल वंस अगेन गाइज। तो फाइनली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अबाउट मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का जो म्यूज़िक सिस्टम आता है, LXI और VXI वेरिएंट में आपको ये वाला म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिलता है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट डिटेलिंग करूँगा, जिसमें एक एक कंट्रोल्स के बारे में, सारे जितने भी फंक्शंस हैं इसके बारे में। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी ऑन इंस्टाग्राम कि इसके बारे में मैं बताऊँ, और बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि इसमें हमें नहीं पता होते हैं, तो उनको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हो जो कि किसी स्पेसिफिक पार्ट में हो, बट वीडियो को पूरा देखने की रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं विच आर यूज़फुल टू अस एंड इट माइट हेल्प यू इन सम वे और दी अदर वे। ऑल राइट, सो आई विल स्टार्ट विद द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर सपोर्ट टिल नाउ टू द चैनल। And if you haven't done, if you are a first time visitor or a second time visitor and haven't done, please subscribe our channel and like this video. All right guys, तो शुरुआत करते हैं। तो ये म्यूज़िक सिस्टम कुछ इस तरीके के कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं आपके ब्रेजा में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक एक चीज़ के बारे में। तो ये जो यहाँ पे आपको एक इंसर्ट देखने को मिलता है, ये आपका इंसर्ट होता है CD का। यहाँ पे आप अपनी CD इंसर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। ये आपका इजेक्टर होता है, जिस बटन से आप उसको इजेक्ट कर सकते हैं। ये एक सेटअप बटन होता है। FM के तीन मोड दिए गए हैं, FM1, FM2, AM। ओके, तो यहाँ से आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये आपकी अप एंड डाउन नॉब है, ये आपका डिस्प्ले बटन है, ये आपका वॉल्यूम बटन है, वॉल्यूम एंड पावर बटन, ये आपका ट्यून बटन है, ये मोड्स हैं डिफरेंट। ये USB मोड को एक्टिवेट करता है और ये बैक जाने के लिए होता है। और यहाँ पे कुछ आपके चैनल्स के सिलेक्शन वगैरह के लिए आपको कीज़ दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी फील भी प्रोवाइड करती हैं। और यहाँ पे आपका माइक दिया गया है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपका कॉल रिजेक्ट बटन और कॉल पिक बटन दिया गया है। तो ये मैंने अभी बताया एक ओवरव्यू कि क्या क्या इसमें आपको प्रोवाइड होता है फर्स्ट इंस्टेंस में जब आप देखते हो तो आपको क्या क्या मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक एक कंट्रोल के बारे में। और जो मैंने कंट्रोल्स बताए हैं वो मैंने ओनर्स मैनुअल से देख के बताए हैं, तो मैंने सारे कंट्रोल्स को ओनर्स मैनुअल से देखा है और कंप्लीट डिटेलिंग, क्योंकि किसी एक चीज़ के बारे में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सारे कंट्रोल्स को देखा है, पूरा इलेबोरेट किया है, खुद से ट्राई किया है एंड देन फिर इस वीडियो में बताया है। क्योंकि मैंने भी जब गाड़ी ली थी तो उसके बाद में मैंने कई सारी वीडियोज़ वगैरह देखी यूट्यूब पर, लेकिन किसी में भी एक प्रॉपर तरीके से, एक बहुत ही अच्छे क्लियर तरीके से नहीं बताया हुआ था अबाउट ब्रेजा म्यूज़िक सिस्टम ईच एंड एवरी कंट्रोल। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों से शेयर की जाए और इसमें बताया जाए कि भाई व्हाट ऑल वी गेट व्हेन वी बाय दिस कार। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इसके बाद क्योंकि हम ओनर्स मैनुअल से जा रहे हैं तो सबसे पहली बात कर लेते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी के मामले में मारुति आपको ये रिकमेंड करती है कि ड्राइव करने से पहले अपने आप को इस सिस्टम के साथ फैमिलराइज कर लो। ऐसा ना हो कि जब आप ड्राइव कर रहे हो गाड़ी, आप रोड पे हो, ट्रैफिक हो, आपके आसपास आगे पीछे गाड़ियाँ हो, तब आप ऑडियो सिस्टम में लगे हुए हो। तो इट्स बेटर दैट यू गेट योर सेल्फ फैमिलराइज फर्स्ट एंड फॉर दैट यू कैन वॉच माई वीडियो ऑब्वियसली। एंड मतलब ये है कि आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, दैट शुड बी ऑन रोड। दूसरी बात, मारुति सेज दैट इन केस इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ वेरी बम्पी रोड, बहुत ज़्यादा बम्पी रोड पे है, आपने CD वगैरह लगाई हुई है या USB वगैरह लगाई हुई है, तो इट्स ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, सो इट माइट हैपन कि ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा साउंड आने में कुछ इशू हो, यानी कि थोड़ा सा मतलब एक लैग हो। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो ये मतलब मेरे को बताना ज़रूरी था क्योंकि उसमें इट्स रिटन ओवर देयर आई एम गोइंग थ्रू मैनुअल, सो सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बटन की। दिस इज़ योर मेन पावर बटन। तो इस बटन से क्या होता है कि आपका जो मेन पावर है वो, इसको ऑन कैसे करना है, ये इस बटन से ऑन होता है। इसको लॉन्ग प्रेस करना है एक बार और आपका म्यूजिक सिस्टम ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग प्रेस करने में एक बार में ऑन हो जाता है, लॉन्ग प्रेस करोगे दोबारा ऑफ हो जाता है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करने के बाद में अगर उसको एक बार प्रेस करोगे, सिंपल वन क्लिक प्रेस करोगे, तो जो भी म्यूज़िक वगैरह चल रहा होगा वो म्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब इसको अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे
तो मैं गाने सुनवा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज करोगे रोटेट, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने में आपका वॉल्यूम अप होगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आपका वॉल्यूम डाउन होगा। एज सिंपल एज दैट, लाइक एनी अदर नॉब। ओके, अब आप देख सकते हो कि FM ऑन है, ठीक है। तो इस नॉब से, ट्यून वाले नॉब से आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लिक इट वंस। सबसे पहला जो बेसिक फंक्शन है वो इसका ये है कि इसमें अलग अलग प्री सेट इक्वलाइजर दिए हुए हैं जिनको आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। यू क्लिक इट वंस और उसके बाद आप EQ4, जैज, हिप हॉप, इक्वलाइजर ऑफ और ये सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से जब आप इसमें जाते हो, यहाँ से यू कैन गो बैक। ओके, जब आप EQ ऑफ है, ठीक है, EQ ऑफ पे जब एक बार और क्लिक करते हो तो वहाँ से आप बास बास वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, मिड, ट्रेबल एंड बैलेंस। बैलेंस आपका होता है कि आपको बैलेंस कितना रखना है, राइट में आपको साउंड ज़्यादा चाहिए या आपको लेफ्ट में, लेफ्ट के स्पीकर्स में साउंड ज़्यादा चाहिए, तो ये आपका बैलेंस के लिए होता है। फेडर आपका होता है कि आपको फ्रंट के स्पीकर्स में ज़्यादा आवाज़ चाहिए, तो F फ्रंट होता है और यहाँ पे ये रियर होता है, तो इससे क्या होगा कि रियर के स्पीकर्स में साउंड जो है वो उतना लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो वापस से एक बार देखते हैं, EQ ऑफ, बास, मिड, ट्रेबल, बैलेंस एंड फेडर। ओके, तो मैं फ्रंट स्पीकर, बिकॉज ज़्यादातर आई एम ऑन माई ड्राइविंग सीट, तो मैं फ्रंट के स्पीकर्स में 2+ वॉल्यूम रखता हूँ सो दैट वेन नो बडी सिटिंग एट द बैक सो वॉय। ओके, तो ये इस ट्यून का एक एक इस नॉब का एक बेसिक कंट्रोल था जो कि होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइज, मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो आपको और बता देता हूँ। इसमें जब आप इस पर क्लिक करते हो ट्यून वाले बटन पे, तो यहाँ पे EQ ऑफ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ बास है, मिड है, ट्रेबल है, बैलेंस है एंड देन फेडर AVC। AVC क्या है? AVC का मीन्स है ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल। तो ये क्या होगा, आपकी स्पीड डिपेंडेंट कंट्रोल होगा। अरे चला गया, फिर से बताता हूँ। ओके, तो AVC क्या करेगा, AVC AVC इज ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो साउंड है, आपका जो म्यूजिक है, वो आपके गाड़ी की स्पीड के साथ साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो लेवल यहाँ पे 3 लेवल हैं, जितना आप चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लेवल हो, जितना ज़्यादा साउंड इंक्रीज हो जाए, तो इस तरीके से आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। सो AVC इज अबाउट दिस। उसके बाद बात कर लेते हैं, इन दोनों नॉब्स की बात हो गई है, अब इनके अपने अपने रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस में मेन्यू में जाके होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी जो मैंने इनके बेसिक फंक्शंस थे वो आपको बताए, उसके बाद बात कर लेते हैं इस बटन की, FMEM। सो एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे आपको 3 मोड मिलते हैं, FM1, FM2 एंड AM, जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपना इस नॉब को यूज़ करके। वेन एवर यू प्रेस इट, इट विल टर्न ऑन द नेक्स्ट मोड। ओके, तो अब उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप मान लो AM पे हो, ठीक है, आपको एक चैनल सर्च करना है, तो आप इस सीक बटन से उसको सर्च कर सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट अवेलेबल फ्रीक्वेंसी पे इफ़ एनी चैनल इज़ देयर, इट विल सर्च इट एंड इट विल स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर स्टेशन, ठीक है। इस तरह से जैसे कि ये 91.1 पे जाके रुक गया, विच इज़ अ रेडियो स्टेशन, तो यहाँ से वो कंट्रोल हो सकता है, 92.7 पे जाके रुक गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लिया आपको इस चैनल को सेट करना है, तो सेट कैसे होगा, आप किसी भी जो आपके 6 रेडियो स्टेशंस के, ये बेसिकली एक तरीके से स्टेशन बटन्स हैं जो कि आप जिस पे एक पर्टिकुलर स्टेशन, विच एवर योर फेवरेट स्टेशंस आर, यू कैन सेव देम, यू कैन अलॉट दीज बटन्स, अलॉट दीज नंबर्स ऑन दोज चैनल्स। अब आपको क्या करना होगा, इस चैनल को जैसे आपको सेव करना है तो इस बटन को लॉन्ग प्रेस करो, तो ये यहाँ पे CH2 मेंशन होके आ गया, यानी कि चैनल 2 पे आपका ये FM वाला 92.7 आपका सेट हो गया है। एक बार दोबारा करके देखते हैं, 93.5 इसने अभी सर्च किया, ठीक है।
I cannot turn on the volume because you understand that if a music comes then copyright claim can come. So मैं इसलिए आपको वो नहीं सुनवा सकता, ठीक है? तो अभी अभी जैसे 93.5 आ गया, मेरे को इसको सेट करना है 3 पे. सो आई विल प्रेस एंड होल्ड 3. यहाँ पे CH3 आ गया. इस तरीके से आप अपने रेडियो स्टेशंस को यहाँ पे सेट कर सकते हो. 3 FM के मोड्स हैं, FM1, FM2 एंड AM. ओके, तो ये हो जाता है इन दोनों बटन्स का यूसेज. अब उसके साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक AST का भी कंट्रोल है जिसमें एक बैक का साइन भी बना हुआ है. तो AST बेसिकली इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑटो स्टोर. तो ऑटो स्टोर क्या करता है, आपके लिए 6 चैनल्स को ऑटो ट्यून करके, सर्च करके, सेलेक्ट करके और उनको इन नंबर्स पे, इन चैनल्स पे अलॉट कर देता है. तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, यू नीड टू प्रेस इट एंड होल्ड इट फॉर मोर देन 1 सेकेंड. एक से ज़्यादा सेकेंड के लिए इसको दबा के रखना. उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा. सर्च करना स्टार्ट कर दिया इसने और फिर वो इन चैनल्स पे इसको अलॉट करता जाएगा. तो ये इसका बेसिकली ये इसने कर दिया चैनल 3 999. इस वीडियो में मैंने एक चीज़ के बारे में जिसकी बात नहीं की है, वो है CD नोबडी प्लेज एट दीज डेज. सो आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट CD, नीदर आई हैड वन. मैंने बात की है मोबाइल कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी एंड ऑक्स कनेक्टिविटी की. मैंने इन तीन चीज़ों के बारे में बात की है एंड आई थिंक दैट्स इनफ. CD वगैरह तो आज की डेट में कोई चलाता भी नहीं है एंड मेरे को लगता भी है कि CD वगैरह चलाना इज़ नॉट सेफ, बिकॉज अगर CD क्या होता है, बेसिकली एक हेड होता है, हेड रोटेट करता है CD पे एंड देन इट प्लेस द साउंड एंड डू द जॉब. तो उसमें मेरे को ये लगता है कि यार थोड़ा रिस्की है, मतलब रहने दो. जब काम चल रहा है तो फिर क्यों खामखामे CD क्यों चलानी. ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं USB डिवाइस की, कि एक USB डिवाइस से आप इसमें कैसे अपने सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो. ऑलराइट, सो आई विल कनेक्ट द USB एंड देन आई विल शो यू. तो USB का जो कनेक्टर है वो कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे. तो USB कनेक्ट कर लेते हैं. तो जैसे ही आप USB कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है USB. ओके, तो कि USB कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है. अब हमें क्या करना होगा, आप USB को मैंने कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं यहाँ से ऑन करता हूँ म्यूज़िक प्लेयर को और मोड एक बार दोबारा से मैं लगा के दिखाता हूँ. अभी जो म्यूज़िक सिस्टम है वो ब्लूटूथ पे सेट है. अभी मैं क्या करता हूँ, USB वाले बटन से USB मोड एक्टिवेट हो जाएगा. तो USB वाला मोड एक्टिवेट हो गया है और जो सॉन्ग उसमें था वो प्ले होना शुरू हो गया है. ओके, तो अब जैसे USB से ट्रैक्स प्ले हो रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं USB के बारे में और USB में कैसे कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं. तो नेविगेशन का तरीका यहाँ पे है इस ट्यून नॉब से. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो F की जो वैल्यू चेंज हो रही है, ये आपके फोल्डर्स चेंज हो रहे हैं. जो अलग अलग फोल्डर्स होंगे वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एंड देन यू कैन सेलेक्ट देयर अप्रोप्रिएट ट्रैक्स. अगर एक पर्टिकुलर ट्रैक को आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से कर सकते हैं. यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वो ट्रैक अभी आगे फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है. यहाँ से बैक फॉरवर्ड हो सकता है. ओके, और यहाँ से रैंडम सिलेक्शन हो सकता है, रैंडमली कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह प्ले होते रहेंगे और यहाँ से वो रिपीट इसमें ऑन हो सकता है. तो दिस इज़ फॉर रैंडम, दिस इज़ फॉर रिपीट. ओके, एंड इस तरीके से आप अपने USB के मोड्स को और USB को इसमें प्ले कर सकते हो. तो अब बात कर लेते हैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपके यूज़ में आने वाली है और वो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी. ब्लूटूथ को कैसे इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मेरा फ़ोन है उसमें, क्योंकि ये डिवाइस रजिस्टर्ड है, मैं उस फ़ोन से उसको मारुति सुजुकी के म्यूज़िक प्लेयर को रिमूव कर दूँगा. तो रिमूव कर देते हैं उसको, इसको यहाँ से फॉरगेट कर देते हैं. ओके, तो अभी कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले सेटअप पे क्लिक करना होगा. सेटअप पे करने के बाद में क्लिक ब्लूटूथ सेटअप पे क्लिक करना होगा. यहाँ से सेटअप ब्लूटूथ पे क्लिक करना होगा. ब्लूटूथ पेयरिंग वहाँ पे मेंशन होके आ जाएगा. उसके बाद फ़ोन के ब्लूटूथ में जाना है और यहाँ से पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करना है. और
एक बार दोबारा क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि मारुति सुजुकी सर्चिंग इसमें लिखा आ जाएगा, पास की आ जाएगी, तो इस पे मारुति सुजुकी पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो पास की मांग रहा है तो पास की डाल देनी है 00। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि आपका जो फ़ोन है वो मारुति सुजुकी से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमारा फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें ब्लूटूथ के क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे सेटअप में चल के एक एक करके ब्लूटूथ की सारी सेटिंग्स वगैरह को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका रिसीविंग सिग्नल्स दिखा रहा है कि फ़ोन में कितने सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये आपके फ़ोन की बैटरी दिखा रहा है कि फ़ोन में कितनी बैटरी अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके एक एक करके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो सेटअप ब्लूटूथ में सबसे पहले आ जाता है ब्लूटूथ सेटअप। ब्लूटूथ सेटअप के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है ब्लूटूथ पेयरिंग का। तो ब्लूटूथ पेयरिंग अभी मैंने आपको दिखाया कि डिस्कनेक्ट ऑल डिवाइसेस, यानी कि करंट डिवाइस से पहले डिस्कनेक्ट करना होगा जिससे अभी मैंने कनेक्ट किया था, उसके बाद वो किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो पाएगा। यहाँ से बैक जाने के लिए यू कैन यूज़ दिस बटन AST। ठीक है, तो ब्लूटूथ पेयरिंग से आगे चलते हैं तो ब्लूटूथ लिस्ट फ़ोन आ जाता है। यहाँ पे वो आपको दिखाता है कि आपका कौन कौन से फ़ोन्स इस वक्त इस डिवाइस से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड हैं यानी कि इसकी मेमोरी में सेव्ड हैं। एक बार में एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है लेकिन इट कैन कैप्चर, इट कैन स्टोर अप टू 5 डिवाइसेस। बट जो एक बार में कनेक्ट होगा रन टाइम पे वो एक ही डिवाइस होगा। तो ये यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस को यहाँ पे मेंशन कर रहा है और OnePlus 7 वो है जो मैंने अभी इस वक्त इसमें कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से गो बैक कर लेते हैं। ब्लूटूथ लिस्ट फ़ोन से आगे चलते हैं तो ब्लूटूथ पास की आ जाता है। ब्लूटूथ पास की इसकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नई पास की लगा सकते हैं। एंटर न्यू पास की का ऑप्शन आ रहा है, कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है। तो जो डिफ़ॉल्ट पास की होती है वो 4x0 होती है। गो बैक करते हैं और आगे चलते हैं। BT पावर का ऑप्शन आ रहा है तो BT पावर ऑन है, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसको वापस चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ब्लूटूथ सेटअप टेलीफोन। तो ब्लूटूथ सेटअप टेलीफोन में जब आप जाओगे तो ब्लूटूथ सेटअप फ़ोन बुक, साउंड सेटिंग, ऑटो ट्रांस, कॉल हिस्ट्री, गो बैक। तो एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। ब्लूटूथ सेटअप फ़ोन बुक में आ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ऐड कॉन्टैक्ट्स, ऐड स्पीड डायल, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कॉन्टैक्ट्स, गो बैक। तो ऐड कॉन्टैक्ट्स में जब आप जाते हो तो ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी सारी फ़ोन बुक को एक्सेस करता है। जो भी आपकी फ़ोन बुक की कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को ये एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फ़ोन कनेक्ट किया हुआ था तो ये क्या करता है कि उसके सारे कॉन्टैक्ट्स को सिंक करके अपनी एक मेमोरी में स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ से मुझसे ओवरराइट ऑल का ऑप्शन मांग रहा था। लगभग 1000 के आसपास इसमें कॉन्टैक्ट्स थे तो मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गो बैक करते हैं। ऐड स्पीड डायल, तो स्पीड डायल में क्या करता है, ये स्पीड डायल आपका इन नंबर्स को जब आप प्रेस करोगे, लॉन्ग प्रेस करोगे तो वहाँ से आप किसी कॉन्टैक्ट को डायल कर सकते हो, तो वो एज ए स्पीड डायल उसमें सेव हो जाता है। यानी कि जैसे अगर मैं जाता हूँ इस पे इनिशियल बी पे, तो इनिशियल से उन कॉन्टैक्ट्स को सर्च करता है। इनिशियल से उन कॉन्टैक्ट्स को सर्च करने के बाद में एज एन स्पीड डायल आप उनको ऐड कर सकते हो। जैसे कि इफ़ आई क्लिक ऑन इनिशियल डी तो यहाँ पे DTDC हेल्पलाइन आ रहा है करके। तो अगर मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ 1, DTDC चूज प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ, रजिस्टर्ड, तो 1 प्रेस किया मैंने, लॉन्ग प्रेस किया और वो एज ए स्पीड डायल उसमें ऐड हो गया। ठीक है, ऐड स्पीड डायल के बाद चलते हैं आगे, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कॉन्टैक्ट्स। डिलीट हिस्ट्री अलग अलग कॉल्स की, जैसे आउटगोइंग कॉल्स है, इनकमिंग कॉल्स है, मिस्ड कॉल्स है, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर्स दिखा रहा है तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कन्फर्म डिलीटेड। ठीक है, अब इससे बाहर चलते हैं। इसके साथ साथ जो और ऑप्शंस हैं उनको एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने सेटअप टेलीफोन में जाना है, सेटअप फ़ोन बुक ये मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, वापस चलते हैं, साउंड सेटिंग में चल लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका कॉल वॉल्यूम। कॉल वॉल्यूम है जब आप किसी से, व्हेन यू विल कन्वर्सेट विद समवन,
तो जो आवाज़ सिस्टम से आएगी वो कितनी रहेगी? तो कॉल वॉल्यूम, इसमें यहाँ पे मैं यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, 24 पे सेलेक्ट कर लिया। ओके, रिंगटोन वॉल्यूम, रिंगटोन आप जब इसमें रिंग करेगा, फ़ोन आएगा किसी का ऑब्वियसली व्हाइल यू आर ड्राइविंग, तो उसमें रिंगटोन वॉल्यूम कितना रहेगा, तो वो मैंने 15 पे सेट कर लिया। उसके बाद रिंगटोन कौन सी रहेगी आपकी, तो रिंगटोन यहाँ से अलग अलग रिंगटोन्स हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिंगटोन के बाद अब गो बैक, ये था ब्लूटूथ साउंड सेटिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने फ़ोन बुक दिखा दिया, साउंड सेटिंग बता दिया आपको। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक कॉल करनी है तो कॉल आप किस तरीके से कर सकते हैं। आपको ये बटन प्रेस करना होगा, ब्लूटूथ फ़ोन बुक आपके सामने आ जाएगी। फ़ोन बुक में आप इनिशियल से उसको सर्च कर सकते हैं, इनिशियल एफ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट आपके सामने आ जाएगा, उस कॉन्टैक्ट को फिर आप दोबारा डायल करेंगे, डायल फिर क्लिक करेंगे तो वो डायल होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो डायल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप उसको डायल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनकमिंग कॉल्स आ रही हैं व्हाइल यू आर ड्राइविंग, आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे माइक है। तो मैंने आपको बताया कि आप कॉन्टैक्ट्स को स्पीड डायल वगैरह में कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे उसको कॉल कर सकते हो, कैसे फ़ोन बुक से कॉल कर सकते हो, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे फ़ोन को सेटअप कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाहते हो स्पीड डायल से तो वो कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पर डायल बटन पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में ब्लूटूथ स्पीड डायल्स पे क्लिक करना, स्पीड डायल्स में यहाँ पे क्लिक करना DTDC हेल्पलाइन जो अभी हमने सेटअप किया था, और यहाँ से जैसे दो ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है बेसिकली, डिलीट गो। ओके, तो यहाँ से आप उसको डिलीट करोगे, डिलीट स्पीड डायल, कंफर्म, क्लिक करोगे डिलीटेड, तो ये यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप अपने स्पीड डायल्स को डिलीट कर सकते हो। तो गाइज, आई होप कि मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया होगा। ऑक्स का तरीका भी सेम है, और USB और ऑक्स इज़ नॉट डिफरेंट, उसका तरीका भी सेम है, बस आप ऑक्स पोर्ट में अपनी केबल लगा दोगे और सेम तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लगभग आपका ब्लूटूथ कवर किया कम्प्लीटली, और आपका USB कवर किया, और आपका FM कनेक्टिविटी पूरी कवर की। इसके अलावा इफ़ देर इज़ एनीथिंग दैट आई हैव लेफ्ट ऑफ एंड इफ़ देर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैन यू कैन पुट डाउन इन योर कमेंट्स एंड देन आई मेक अ वीडियो ऑन दोज एज वेल, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो जहाँ तक था मैंने लगभग सारे ही ऑप्शंस को इलेबोरेट करके आपको बताया। तो दोस्तों, इसी तरीके के यूज़र एक्सपीरियंस, ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियोज़ के लिए और ब्रेजा की इनसाइट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड मोर वॉक अराउंड वीडियोज़ आर कमिंग अप, सो मैंने सफारी की वीडियो पोस्ट की थी गाइज, उसमें व्यूज़ बहुत कम है, प्लीज़ शो योर सपोर्ट ऑन द वीडियो। तो दोस्तों, इसके बाद अब मैं वीडियो बनाऊंगा ब्रेजा के जो LXI और VXI वेरिएंट में जो MID डिस्प्ले आता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, आप सिक्योरिटी फीचर्स को कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे ऑफ कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो अब जब बात कर ही रहे हैं तो एक बार ऑक्स कनेक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं।